नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा से सपा पूर्व प्रत्याशी राम कुमार उर्फ चीकू यादव ने डुमरियागंज थाने में तहरीर दी है कि उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी उनको 27/1/2019 को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी, लेकिन आगे की कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। बीती रात को भी राजकुमार उर्फ चिंटू यादव को फिर से फोन के माध्यम से धमकाया गया, जिसमें कहा गया कि तुम्हें जान से मार देंगे। इस बारे में राजकुमार उर्फ रिंकू यादव का कहना है कि रात 9:46 पर मुझे फोन आया, उसने बदतमीजी के साथ बात करते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी, चीरने फाड़ने की बात करते हुए माँ बहन की गाली दी। वहीं इस बारे में जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे के सामने बोलने से बचते नजर आए। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। ये मामला मैं कल रात 9:46 में एक फोन मेरे पास आया। मुझसे पहले बदतमीजी करने लगा तो मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की, वो मुझे धमकी दिया जान से मारने की, चीर देंगे फाड़ देंगे, माँ बहन बेटी की गाली दी। और इसके पहले भी मेरे साथ घटना घट चुकी है। 27/1/2019 को मैंने एक तहरीर दी थी, उस समय भी मुझे लगभग 10-11 काल धमकी आया था। मौजूदा डुमरियागंज प्रशासन जो उस समय का था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, मुकदमा दर्ज करके उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, और ना मुझे अभी तक पता चला कि उसमें क्या हो रहा। मैं कई बार पूछा, वो लोग मुझे बताते भी नहीं। फिर वही धमकी इस बार भी आई, मैंने फिर आज तहरीर दिया है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे 1000% भरोसा है कि सत्ता पक्ष के इशारे पे ये धमकी मुझे दिलाई जा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष इतनी बौखलाहट में है, उनकी जनाधार उनके पीछे से खिसक रही है और वो जनाधार सीधे मेरे पास आ रही, समाजवादी पार्टियाँ मजबूत हो रही है, इसकी वजह से मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मुझे धमकाया जा रहा है। हमारे परिवार को भी वो जान से मारने की बात कर रहा है, हमको जान से मारने की बात कर रहा है। मैं आपके माध्यम से डुमरियागंज प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, इसमें त्वरित कार्रवाई करें और हमको हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं। पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई करने की बात कही है? हमने तहरीर दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। हमने कहा कि मैं अब की बार देखते नहीं हैं, अब की बार कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अब की बार जो भी विपक्ष में होने के नाते, और चूंकि मैं पीड़ित भी हूँ, तो हम धरना प्रदर्शन हेन तेन के लिए बात करें।